हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम व्यापम की जेल पेरी और संविदा की एग्जाम के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 29 देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने टोटल 28 पार्ट्स अपलोड कर दिए। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि आपके भी संविदा के एग्जाम भी आ गए और जेल पेरी की भी एग्जाम आने वाली है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आप हमें अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप हमें वहाँ पर सचिन सिलावट नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैंने एमपी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स मतलब मार्च से लेकर अगस्त तक के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कशन किया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है पार्ट वाइज, तो वहाँ से जाकर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैंने व्यापम के लिए हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन को भी डिस्कशन किया, तो उन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप उन्हें देख लीजिए और आप उसकी पीडीएफ को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या दिया है कि एक निश्चित राशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1344 रुपये हो जाती है, तथा वही राशि उसी दर से 6 वर्ष में 1416 रुपये हो जाती है, तो मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सिंपल इंटरेस्ट का फुल टॉपिक, जिसमें मैंने ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस कवर करवाए, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर देख लीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चंस में हमें ये बोला गया है कि किसी निश्चित राशि पर निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में जो है वो 1344 रुपये हो जाती है, मतलब जो राशि है वो कितनी हो जाती है 4 वर्ष में, कितनी हो जाती है यहाँ पर 4 ईयर्स में जो राशि हो जाती है वो कितनी हो जाती है 1344। क्लियर। और ये क्या है, राशि है मतलब अमाउंट है, मतलब ये क्या है 4 वर्षों में इतना हो जाता है, मतलब ये अमाउंट है। और आगे क्या बोला है, तथा वही राशि 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 6 ईयर्स में जो राशि हो जाती है वो हो जाती है 14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, मतलब 1416 रुपये हो जाती है, और ये भी क्या अमाउंट है। अब दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले, तो यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में ना तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया होता है, ना ही रेट दी होती है, ना ही मूलधन दिया होता है, लेकिन यहाँ पर आपको समय और अमाउंट दिया होता है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी आप सोल्व करो, तो जब यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना जाएगा 2 ईयर्स आ जाएगा, इतना क्लियर है। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, मतलब 1416 में से 1344 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में से 4 जाएंगे तो बच जाएंगे 2, फिर यहाँ पर 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 7, और 3 में से 3 जाएंगे तो 0, 1 में से 1 जाएंगे तो 0, और ये क्या आ गया, मतलब 2 साल का यहाँ पर निकल के आता है साधारण ब्याज। मतलब सीधा सा फंडा ये है कि 2 ईयर्स का साधारण ब्याज कितना है यहाँ पर 72, तो 1 साल का कितना हो जाएगा यहाँ से 1 ईयर्स का कितना हो जाएगा, 1 ईयर का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ से 36, अरे अगर 2 साल का यहाँ पर 72 है तो 1 साल का कितना हो जाएगा 36। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर पता है कि जो मूलधन होता है, आपको यहाँ पर क्या पता है कि मूलधन पी बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस एसआई, इतना आपको पता है। अरे अगर मैं अमाउंट में से साधारण ब्याज को घटा दूँ तो मुझे मूलधन मिल जाएगा, और पूछा भी क्या है, मूलधन तथा दर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप मूलधन ज्ञात के लिए। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या बोला है कि 4 साल में राशि हो जाती है 1344, मतलब यहाँ पर अगर मैं 4 साल का ब्याज घटा दूँ इसमें से अमाउंट में से तो मुझे मूलधन मिल जाएगा, तो 1 साल का जो ब्याज है वो 36 है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा 36 में मैं क्या कर लूँ 4 का मल्टीप्लाई कर लूँ, तो यहाँ पर 4 साल का ब्याज कितना निकल के आ जाएगा 6 4 24 बच जाएंगे कितने 2, 4 3 12 और 2 14, मतलब 4 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया यहाँ पर 144, तो यहाँ से मैं अगर 144 सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर लूँ तो मुझे मूलधन मिल जाएगा यहाँ पर। अरे यहाँ पर क्या, अगर अमाउंट में से साधारण ब्याज माइनस करते हो तो क्या मिलता है, मूलधन मिलता है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, पी कितना मिल जाएगा 1200 रुपये, मतलब यहाँ पर आपका पहला आंसर तो आ चुका है कि मूलधन बराबर कितना है 1200, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस में 1200 दिए, मतलब यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन सही होने के चांस है, तो थर्ड और फोर्थ तो आपको ऐसे भी कैंसिल करना है, तो यहाँ पर आपको जो है मूलधन पता चल चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है, तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एसआई गुणे में 100 और डिवाइड में क्या होता है पी इंटू टी। अब आपको यहाँ पर साधारण ब्याज पता है कितना है 4 साल का, दोस्तों 4 साल का लोगे तो समय भी 4 लेना है, क्योंकि हम साधारण ब्याज क्या ले रहे हैं 4 साल का, तो यहाँ पर साधारण ब्याज 144 × 100, तो समय क्या लेंगे यहाँ पर 4 वर्ष, और उसके बाद मूलधन तो आपको हर केसेस में कितना लेना है 1200 ही लेना है, इतना आपको क्लियर है। अब 20 से 20 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 बार, उसके बाद 4 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, जो आर परसेंट होगा, वो कितना आएगा 3%, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेक कर लेना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, मतलब मूलधन जो होगा वो 1200
और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 3%। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सारे के सारे व्यापम की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इससे पता भी चल जाएगा कि व्यापम किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ पर क्या बोला है कि यदि मूलधन 400 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और समय जो हो 18 महीने हो तो राशि ज्ञात करना है। मतलब दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर मूलधन दिया है 400 रुपये, देन उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कितनी है, 6%। देन यहाँ पर समय आपको बोला है कितना दिया है, 18 माह है। क्लियर है यहाँ पर, यह माह है। और तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, तब राशि ज्ञात करना आपको, मतलब यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है दोस्तों। टोटल यहाँ पर देन द अमाउंट, टोटल यहाँ पर अमाउंट ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर पता है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भी साधारण ब्याज आएगा वो आप क्या कर दोगे, मूलधन में जोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला भी आपको पता है। अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई। मतलब जब आप पी में मतलब मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ दोगे तो आपके सामने अमाउंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर एस आई बराबर जो होता है, होता है पी इंटू आर इंटू टी, और डिवाइड में क्या हो जाता है, 100। अब दोस्तों आपको यहाँ पर पता है ये 18 माह है, 18 माह मतलब एक साल में 12 महीने, तो 18 महीने मतलब कितने हो जाएंगे, 1.5 साल हो जाएगा। ये तो आप ओरली याद कर सकते हो, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मूलधन पता है 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 6% यहाँ पर, उसके बाद समय आपको पता है 1.5 वर्ष, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 100। दोस्तों यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो डिवाइड में 10 हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0, उसके बाद 5 से 2 बार, और 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार, मतलब 3 3 या 9, और 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 36। और ये 36 जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे हो सकता है कि क्वेश्चंस में ये भी पूछ ले कि तब साधारण ब्याज कितना होगा, तो 36, लेकिन आपको क्या पूछा है, अमाउंट। तो अमाउंट बराबर होता है मूलधन कितना है यहाँ पर, 400, और साधारण ब्याज कितना है, 36। तो इन दोनों का जब आप योग करोगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, 4 3 6। तो यहां से आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या बोला है कि 900 पुरुष 25 दिनों में भोजन का एक स्टॉक समाप्त कर सकते हैं। मतलब दोस्तों क्वेश्चन में यहां पर ये बोला है कि 900 पुरुष जो है वो 25 दिनों में भोजन का एक स्टॉक समाप्त कर सकते हैं। इनमें कितने और पुरुष सम्मिलित होने चाहिए ताकि यह स्टॉक 20 दिनों में समाप्त तो हो जाए। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको करने का सही तरीका पता है तो आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स में कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका नहीं पता होता है तो हो सकता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाओ, और अगर आप सोल्व कर भी लेते हो तो आप ज्यादा समय एग्जाम में यहाँ पर ले लेते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने की ट्रिक होती है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसकी ट्रिक होती है मजदूर, और यहाँ पर होता है कार्य, और ये होता है दिवस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मकादी, मतलब मकादी। इसका फुल फॉर्म म का मजदूर, क का कार्य, और दी का क्या होता है, दिवस होता है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करना आना चाहिए कि वैल्यू को किस प्रकार से पुट करना है। यहाँ पर क्या बोला है कि 900 पुरुष, तो 900 पुरुष में यहाँ पर क्या, मजदूर में क्या हो जाएगा, 900, और यहाँ पर क्या बोला है, 25 दिनों में, तो दिवस की जगह क्या आ जाएगा, 25, और भोजन का एक स्टॉक, तो यहाँ पर कार्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये जमाना आना चाहिए दोस्तों और लिखना आना चाहिए। तो बोला क्या है, इनमें कितने पुरुष सम्मिलित होने चाहिए, मतलब होने चाहिए ताकि यह स्टॉक 20 दिन में समाप्त हो जाए। दोस्तों 900 पुरुष तो है, तो इसमें और कितने सम्मिलित होने चाहिए थे, तो मान लेते हैं कि एक्स और सम्मिलित होने चाहिए, तो 900 प्लस एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा, वही स्टॉक, और ये क्या होगा, 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको इस टाइप से लिखने के बाद सोल्व किस प्रकार से करना वो यहाँ पर जानना बहुत जरूरी। दोस्तों यहाँ पर इस टाइप से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 900 मल्टीप्लाई 1 में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही होगा, देन उसके बाद 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई आपको इस तरीके से करना है, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि 900 प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स है, उसके बाद मल्टीप्लाई 20, और ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो कट रहा है उसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 0 से 1 0, देन यहाँ से 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 45 टाइम। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 900 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा, 125 बच जाएंगे, कितने, 12, 25 चौक 100, और 12 कितने हो गए, 112 हो गए। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 5 बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, 11 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 2,
मतलब कितने और पुरुष को सम्मिलित करना पड़ेगा जब ये भोजन 20 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो आपको 225 पुरुष को शामिल करोगे तो क्या होगा कि भोजन जो है वो यहाँ पर 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि मैंने एक वस्त्र, मतलब मैंने एक वस्त्र 555 रुपए में खरीदा जिसकी बिक्री पर 25% की छूट थी, तो अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। मतलब दोस्तों मैंने क्या करा, एक वस्त्र खरीदा जिसकी बिक्री मूल्य, खरीदी मूल्य कितनी थी 555, लेकिन इस पर क्या हुआ कि 25% का क्या मिला, डिस्काउंट मिला, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% की वैल्यू। अब दोस्तों आपको पता है कि जब 25% का डिस्काउंट मिला तो वस्तु हमें कितने मिल गई, 555 रुपए। मतलब जब भी आपको यहाँ पर क्या बोला, डिस्काउंट दिया, तो 100 में से माइनस कर लो, मतलब या तो ये बोल दो कि 75% में खरीदा उस वस्त्र को या 555 रुपए में खरीदा, बात एक ही है। तो 75% की वैल्यू 555 के बराबर, तो 1% की वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते आप। यहाँ से क्या होगा, 555 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 75, और ज्ञात क्या करना है यहाँ से 100% की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई 100। बस इसको आपको क्या करना, सोल्व, 25 से 3 बार, यहाँ से क्या होगा 25 से 4 बार। अब यहाँ पर आपको कैंसिल करना है, 3 एकम 3, फिर यहाँ से क्या बच जाएंगे 2, 3 8 24, फिर 3 5 15, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 185 गुणे में 4। बस इसको आपको यहाँ से सोल्व कर लेना है, 4 5 20, 8 4 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 34, बच जाएंगे 3, 4 और 3 7, मतलब कितना आ गया यहाँ पर मूल्य 740। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक कर लेना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा।